हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो है गूगल शीट की। और गूगल शीट में क्या खास है, आइए आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर आपसे ये कह दिया जाए, आप इंटरव्यू के लिए जाएं, आपसे ये कह दिया जाए कि आप हमें गूगल शीट में, और कभी कभी एक्सेल में भी ऐसा हो सकता है कि आपसे ये कह दिया जाए कि एक ऐसा फंक्शन इस्तेमाल कीजिए जो रैंडम नंबर जनरेट करा दे, तो सीधा आपके दिमाग में क्या बात आती है, आप सीधा रैंड बिटवीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रैंड बिटवीन। या आप बहुत करेंगे तो रैंड एरे नाम का एक फंक्शन लगा सकते हैं, तो रैंड बिटवीन लगाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ रैंड बिटवीन का यूज करना नहीं है, ना ही रैंड एरे का यूज करना है, पर हमें रैंडम नंबर्स बहुत सारे चाहिए। तो वो कैसे आएंगे? आखिरकार क्या ऐसा फंक्शन, क्या ऐसा फॉर्मूला हम यूज करें कि वो सारी चीजें एक साथ हमें मिले? तो एक फंक्शन या फॉर्मूला आपको मिल जाता है, मैं दोनों ही में यूज करके दिखाऊंगा आपको। मैं एक्सेल में भी यूज करूंगा, पहले तो गूगल शीट में करते हैं। तो ये जो फंक्शन है उसका नाम है सीक्वेंस। क्या नाम है? सीक्वेंस। तो यहाँ पे आप सीक्वेंस लगाइए, और यहाँ 4 लिखा मैंने, फिर यहाँ क्या लिखा, यहाँ लिखा 5, फिर यहाँ क्या लिखा, यहाँ लिखा 6, और यहाँ लिखते हैं 2। अब ये लिख दिया हमने, अब इससे होगा क्या, आप एंटर करते हैं तो पता चलेगा क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे रैंडम नंबर्स जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं आपको, देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे रैंडम नंबर्स जनरेट हो रहे हैं। लेकिन इसमें यहाँ पर ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनका बड़ा अहम रोल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर जनरेट हुए, लेकिन ये नंबर रैंडम नहीं है। अब आप क्लिक करेंगे इधर उधर तो ये चेंज नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर ये रैंडम नंबर नहीं है, लेकिन आपको नंबर्स तो मिल जाते हैं इस फंक्शन की मदद से, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहता है तो आप सीक्वेंस का यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, एक्सेल में यूज करने का, ठीक है। एक्सेल में कैसे यूज करें, तो यहाँ पर आते हैं। एक्सेल के अपग्रेडेड वर्जन में ही सीक्वेंस का फंक्शन मिलता है आपको, पुराने वर्जन में नहीं मिलता है। तो ये एक्सेल मैंने ओपन कर लिया है, अब यहाँ पर हम सीक्वेंस लगाते हैं, और सेम वही चीज करना है आपको यहाँ पर भी। तो ये आ गया सीक्वेंस। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 लिखा, यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे 7 लिखा, और यहाँ 1 लिख दिया। अब होगा क्या, देखिए पहला जो है रो है, तो 2 रो की बात हो रही है, और दूसरा जो है कॉलम है, तो 5 कॉलम की बात हो रही है, और स्टार्ट और स्टेप भी दिया गया है, तो ये इसका मतलब होता है। तो आप अगर एंटर करते हैं तो ये देखिए बिल्कुल 2 रो आया हुआ है, कितने कॉलम थे, 1 2 3 4 5, तो 5 कॉलम है, और कितने रो है, रो तो सिर्फ हमें 2 ही मिल रहे हैं। लेकिन चलिए इसको डिलीट करते हैं, थोड़ा और समझते हैं इससे। अब यहां पर आते हैं, अब देखिए फिर यहां पर मैं वही लगा रहा हूं, सीक्वेंस का फंक्शन लगा रहा हूं। तो ये सीक्वेंस लगाया हमने, अब रोज की बात करी जा रही है, तो हम 5 रो इस बार कर रहे हैं, और कॉलम कितना करेंगे, सिर्फ 2 ही करेंगे। स्टार्ट कहां से करेंगे, 1 से, और जाएंगे कहां तक, 10 तक जाएंगे, मतलब 10 का स्टेप नहीं लेंगे, 2 ही का स्टेप लेते हैं हम, 2 का। तो यहां पर किया तो देखिए कितने कॉलम्स बने, 1 और 2, सिर्फ 2 ही कॉलम्स बने हुए हैं। आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला कितना इंटरेस्टिंग है, ये फंक्शन कितना इंटरेस्टिंग है। अगर आपको अभी भी ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको फिर दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे सीक्वेंस लगाया, इस तरीके से सीक्वेंस लगा दिया। अब ये कह रहा है रो, तो रो हमें 2 चाहिए, ठीक है। कॉलम हमें 3 चाहिए, 3 दे दिया, यानी 2 रो और 3 कॉलम बनेंगे। स्टार्ट कहां से करना है, 2 से स्टार्ट करना है, और स्टेप कितने कितने का लेंगे हम, तो 3-3 का स्टेप लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा दे दिया। अब इस जो सीक्वेंस यहाँ पे मैंने दिया है फंक्शन, और जो मैंने सिंटेक्स लिखा हुआ है उसको देख लीजिए आप। अब एंटर किया तो हमने कितना रो दिया था, देखिए यहाँ पर मैं F2 करके दिखाता हूँ आपको, 2 रो दिया था और 3 कॉलम। तो जरा देखिए 2 रो बना है, ये पहली रो और ये दूसरी रो, अब कितना कॉलम है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, तो 2 रो और 3 कॉलम तो समझ में आ गया। लेकिन अब ये स्टेप और स्टार्ट की क्या कहानी है, तो देखिए स्टार्ट 2 से हो रहा है, तो एक बार एंटर करते हैं तो यहाँ पे 2 ही दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर देखिए स्टेप कितने का है, 3-3 का स्टेप है। अब 3-3 का स्टेप समझिएगा, 2 के बाद पहला नंबर 3, दूसरा नंबर 4, और तीसरा नंबर क्या है, 5 है, तो यहाँ 5 आया हुआ है, तो यानी 3 का स्टेप हुआ। फिर देखिए 5 के बाद 6, 7, और तीसरा नंबर क्या है, 8 आया हुआ है, तो 3 का स्टेप हुआ। 8 के बाद 9, 10 और 11, तीसरे पर 11 आया हुआ है, 12, 13, 14, फिर तीसरे पर 14 आया हुआ है, फिर 15, 16, 17, फिर तीसरे पर 17 आया हुआ है। तो ये मतलब होता है, ठीक है, स्टेप का। और इसी तरीके से आप पाइथन में भी करते थे, शायद आपको याद हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरी बात आपको समझ में आई होगी कि ये कैसे किया गया है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल, और आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ ये फंक्शन आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।